इस देश की बड़ी विडंबना यह है कि 75 साल में 75% ही पढ़े लिखे हैं और 25% मतलब पढ़े लिखे ही नहीं हैं, अक्षर ज्ञान से भी। अक्षर ज्ञान नहीं होना भी एक अपने आप में आज की समस्या बढ़ाने का एक कारण भी है। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं है, एक तरफ अक्षर ज्ञान की चुनौती है, एक तरफ अक्षर ज्ञान नहीं है कितने हर चौथे व्यक्ति को। इस पर तो हमको सर्वे ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लिटरेसी कितनी है इस कंट्री में, यानी इस देश का जो 75% 2011 के हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि 21 में जनगणना हुई नहीं, 75% 74.04 है उसको आप राउंड फिगर 75 हम ले रहे हैं, 75% जो अक्षर ज्ञान वाला व्यक्ति है उसमें कितना संविधान पढ़ा है, यानी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के बारे में क्या है, लीगल लिटरेसी कितना जानता है ना। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी नहीं होगी तो बिना मतलब का बिना कौड़ा का नाच, एक कहावत है गांव में, गांव कहावत है बिना कौड़ा का नाच होना, अगर आग जल रही है तब इर्द गिर्द नाच रहे हैं समझ में आ रहा है, अंधेरे में क्या नाच रहे हैं, कौड़ा भी नहीं जला है उसको कौड़ा बोलते हैं जो आग जली होती है, ठीक है। तो बिना कौड़ा का नाच हो जाता है। UCC का विरोध कुछ वो लोग भी कर रहे होंगे जिन्होंने जिनको न लिटरेसी का पता है न कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी का पता है और न लीगल लिटरेसी से उनको कोई लेना देना है। हम लोग पढ़े लिखे, हमारा तो संविधान में ही PhD है बेटा, एक प्रकार से हम तो संविधान में ही LLM है। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 44 में चले जाइए, कब से सो रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कब से इंतजार में है। जैसे सबरी को इंतजार था कि हमारे प्रभु आएंगे, प्रभु राम आएंगे, रोजाना वो फूल बिछा करके बेचारी इंतजार करते करते एक अच्छे खासे आयु में चली गई, बूढ़ी हो गई, राम आएंगे। तो वैसे ही UCC है ना, कॉमन सिविल कोड, अगर कॉमन सिविल कोड इस देश की थोड़ी ही सही ज़रूरत नहीं महसूस की गई होती तो आर्टिकल 44 में इसको जिंदा ही क्यों किया जाता, इसकी ज़रूरत ही क्यों महसूस की। इसका मतलब संविधानविदों ने हमारे उन परिस्थितियों में इसका स्वरूप भले ही न विकसित कर पाए हों लेकिन इसकी ज़रूरत ज़रूर महसूस की थी। UCC में तो अगर थोड़ा संभल के सोचेंगे ना तो यह सबकी भलाई में इसमें है कहीं ना कहीं, लेकिन आप डर उन चीज़ों से रहे हैं जैसे छींटे से जड़ रहे हैं लेकिन आप उधर जाने ही नहीं, आपको तो मेरी कार से अगर कोई छींटा आ भी रहा है तो आप क्यों डर रहे हैं जबकि आप उस रास्ते में हैं ही नहीं। तो भाई जैसे 3 तलाक में देखे होंगे कि भाई शादी आप कैसे भी कर लो तलाक का तरीका एक रख लो, क्या दिक्कत है उसमें, तलाक का मतलब विच्छेदित हुआ ना विवाह का, शादी का तरीका तुम कैसा भी कर लो बट तलाक लेते, तलाक तो आप लीगली शादी पूछ के करते हो क्या गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट मर्जी लगाते हो कि मैं शादी करने जा रहा हूँ अगर तलाक का मामला आएगा ध्यान रखना, ऐसा कभी आपने किया क्या? अरे बारात बैंड लेकर आप निकल जाते हैं, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है, जब आपको डाइवोर्स लेना है तभी तो आप जाते हैं ना वहां पे। तो जब आप तलाक के लिए वहां गए तो उसका तरीका एक रख लो क्योंकि उसमें दिक्कत आती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा बेचैन करने वाली चीज नहीं है, हाँ लेकिन इसमें सरकार इस बात का ध्यान जरूर रखे कि सबको विश्वास में रह करके समझा बुझा कर करेगी थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा।